तो आज हम लोग बात करते हैं हाउसिंग के बारे में। हाउसिंग क्या है, उसके क्लासिफिकेशन और अपॉर्चुनिटीज इंडिया में। तो हाउसिंग क्या है? हाउसिंग एक बेसिक नीड है हम सब की, और छोटे छोटे ड्वेलिंग्स को मिला के कम्युनिटी बनाई जाती है, क्योंकि हम लोग एक सोशल एनिमल है, तो कम्युनिटी में रहना हमारी एक ज़रूरत है। सेकेंडली, हाउसिंग में बेसिक सर्विसेज जैसे कि पानी, सैनिटेशन और एसेसिबिलिटी, ये सब की ज़रूरत होती है। थर्ड, हाउसिंग का लोकेशन और हाउसिंग की एसेसिबिलिटी, मतलब कि किस तरीके से हम लोग उसमें इंटर करेंगे, कहाँ से, वो सब एक ज़रूरत है। और लास्टली, ऑफ साइट फैसिलिटीज जैसे कि शॉप्स, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन फैसिलिटी, पार्क, ये सब चीज़ें हो गई जो हाउसिंग के साथ ही इंक्लूडेड होती हैं। अब बात करते हैं हाउसिंग नीड्स के बारे में। तो खाना और पानी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट नीड जो एक इंसान की है वो है हाउसिंग। और हाउसिंग नहीं होने की वजह से स्लम्स, क्वार्टर या फिर इनफॉर्मल सेटलमेंट्स क्रिएट होते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें तो हाउसिंग नीड को फुलफिल करने के लिए लोग इंडिविजुअल हाउसिंग, अपार्टमेंट और शेयर हाउसिंग यूज करते हैं। हाउसिंग के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसे हम 7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लैंड ओनरशिप, सप्लाई, स्ट्रक्चरल क्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रुप्स, बिल्डिंग फॉर्म, सप्लायर्स एंड फंक्शनैलिटी। लैंड ओनरशिप, इसे हम फिर 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी और रेंटल प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड हो गया जिसमें इंडिविजुअल का टोटल कंट्रोल होता है अपने घर और जमीन के ऊपर। लीज होल्ड हो गया जैसे अपार्टमेंट, जिसे हम लीज पे लेते हैं 99 ईयर्स के लिए, और फिर लीज को हम बढ़ा भी सकते हैं एक ट्रायल एप्लीकेशन देकर। और थर्ड हो गया रेंटल हाउसिंग। हम सब जानते हैं जैसे रेंट पे हम लोग रहते हैं, रेंट पे घर लिया जाता है या फिर लैंड लिया जाता है, उसे कहते हैं रेंटल हाउसिंग। सेकेंड, ओरिजिन एंड सप्लाई, इसे भी हम फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक हाउसिंग, फॉर्मल हाउसिंग और इनफॉर्मल हाउसिंग। ऑर्गेनिक हाउसिंग हो गया जो हम नीड के हिसाब से घर को बढ़ाते जाते हैं और फिर एक टोटल सेटलमेंट बन जाता है। तो ये टोटली इलीगल भी नहीं है और ना ही इसको हम लोग एक इनफॉर्मल सेटलमेंट बोल सकते हैं। सेकेंड हो गया फॉर्मल हाउसिंग, जो टोटल रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो घर को बनाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग फॉर्मल हाउसिंग। और थर्ड हो गया इनफॉर्मल हाउसिंग, जो कि इलीगली एक सेटलमेंट होती है, जैसे कि स्लम, क्वार्टर्स या फिर पेवमेंट ड्वेलिंग्स। पेवमेंट हो गया जो रोड के किनारे जो झोपड़पट्टी बनाई जाती है उसे कहते हैं। थर्ड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रुप्स। तो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम लोग 3 पार्ट में कह सकते हैं, LIG, MIG और HIG। LIG लो इनकम ग्रुप, MIG मीडियम इनकम ग्रुप एंड HIG हाई इनकम ग्रुप। LIG 3-6 लाख पर NM वालों को कहते हैं, MIG 6-18 और HIG 18 लाख एंड अबव पर NM। फोर्थ, बिल्ट फॉर्म, इसे भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लो राइज, मिड राइज एंड हाई राइज। तो 0-4 फ्लोर वाले के बीच को कहते हैं लो राइज, 5-11 फ्लोर्स को कहते हैं मिड राइज एंड 11 फ्लोर्स से ऊपर वालों को कहते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स। फिफ्थ, स्ट्रक्चरल क्वालिटी, इसे भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस एंड सेमी पक्का हाउस। तो कच्चा हाउस वो होता है जिसमें मड वॉल्स और थैश रूफ, मतलब कि लीफ और घास भूसा, इन सब चीज़ों से घर बनाया जाता है। पक्का हाउस हो गया जिसमें ब्रिक या फिर GI स्टील, स्टोन, सीमेंट या RCC का यूज़ होता है। सेमी पक्का हो गया जिसमें या फिर एक वॉल पक्का है या फिर सिर्फ एक रूफ पक्का है, उसे हम सेमी पक्का हाउस बोलते हैं। सिक्स्थ, फंक्शनैलिटी, इसे हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांजिट हाउस, एक्सट्रीम वेदर हाउस, ओल्ड एज हाउस, हॉस्टल्स एंड सर्विस अपार्टमेंट। ट्रांजिट हाउस हो गया जिसमें एक एम्प्लॉय के लिए हाउस होता है जो एक कंपनी उसे प्रोवाइड करती है। एक्सट्रीम वेदर हाउस हो गया जो एक एक्सट्रीम वेदर के लिए बनाया जाता है। ओल्ड एज हो गया जो सीनियर सिटीजन, जिनके पास घर नहीं है या फिर जिनको घर से निकाल दिया गया है, उनके लिए हाउस होता है। और हॉस्टल्स हम सब जानते हैं जो बैचलर्स या फिर स्टार्टिंग जॉब वालों के लिए होता है, जो एक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल होता है और काफ़ी लोग एक ही बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। सर्विस अपार्टमेंट, वो फुल्ली फर्निश्ड होता है और उसमें सारे फैसिलिटीज़ रहते हैं। वो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म स्टे के लिए अच्छा है और मोस्टली इसको ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं हाउसिंग सिचुएशन के बारे में इंडिया में। तो करेंटली अगर बात करें तो हाउसिंग की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है इंडिया में। अगर आपको फिगर्स में बताऊं तो 18.78 मिलियन हाउसेस की कमी है, जिसमें से 95% LIG है। और अगर रिपोर्ट की माने तो हर 10 में से एक इंसान के पास घर नहीं है रूरल में, और हर 6 में से एक के पास घर नहीं है अर्बन में। और इसीलिए अभी आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डेवलपिंग कंट्री है और अभी हाउसिंग के काफ़ी ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे।
एंड फाइनली गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, किसी भी क्वेश्चन के लिए या मेरे नेक्स्ट वीडियो के सजेशन के लिए नीचे कमेंट करें। अगर आप आर्किटेक्चर, पेंटिंग, इंटीरियर, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं तो पेंट आर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, बिकॉज नॉलेज इज पावर।